के स्कूल का संचालन किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कोविड बेटा थोड़ा ऐसे करके ऐसे एक एक मिनट सर एक पकड़ लीजिए सर फोटो नहीं हो पाई19 के गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए जो हम लोगों ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए स्कूल का संचालन करेंगे। 10वीं और 12वीं की स्कूल का संचालन 50% की उपस्थिति और पेरेंट्स की सहमति के आधार पर संचालन होगा और सभी मास्क लगा के आएंगे। जिन बच्चों में ऐसा लक्षण दिखते हैं तो घर पर रहें, टीचर को भी लक्षण दिखते हैं तो घर पर रहें। लेकिन ये स्कूल का संचालन 16 महीने बाद ये संचालन हो रहा है तो मैं भी कहा कि आज उसके पहले दिन है तो देख के आए कहाँ कहाँ कितने उसमें हुई सभी स्कूलों की सफाई, उसमें उसका सैनिटाइजेशन पूरा किया गया ताकि किसी प्रकार से बच्चे संक्रमित ना हो। और जिन एरिया में वो चाहे वार्ड हो चाहे गांव की किसी गांव हो वहाँ पर संक्रमण दर 1% से अगर कम है तो वहाँ की जनप्रतिनिधियों की सहमति से वहाँ के पालकों की सहमति से प्राइमरी स्कूल और मिडिल के 8वीं की क्लास संचालित करने के निर्देश लिए हैं।